नमस्कार दोस्तों, युग चेतना यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज मैं लेकर आया हूँ भ्रमर गीत परंपरा। ये हमारा कॉलेज प्राध्यापक हिंदी परीक्षा 2023 के लिए निःशुल्क चलाई जा रही एक मुहिम है। इस पर पीजीटी वाले, पीजीटी, टीजीटी और नेट की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी भी पढ़ सकते हैं। केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरपीएससी, यूपीएसएससी, कोई भी अभ्यर्थी जो हिंदी की तैयारी कर रहे हैं वो भी निःशुल्क इस मेगा क्लास का लाभ उठा सकते हैं। मैं आज लेके आया हूँ भ्रमर गीत परंपरा। तो देखिए, भ्रमर गीत परंपरा सूर सागर के प्रसंग भ्रमर गीत को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भ्रमर गीत सार शीर्षक से संपादित किया है। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट कैसे है, देखिए, परीक्षा में ऐसा ही पूछा जाता है, भ्रमर गीत सार नाम किसने दिया आचार्य शुक्ल ने। अब ऐसे पूछा जा सकता है, सूर सागर के प्रसंग भ्रमर गीत सार नामक शीर्षक से संपादित किसने किया, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अपने जेन में उतार लें, कॉपी में लिख लें। इसी परंपरा में नंददास की रचना भंवर गीत, नंददास की रचना भंवर गीत इम्पोर्टेंट, ये भी सवाल पूछा गया कई बार परीक्षा में, भंवर गीत के रचनाकार कौन है, नंददास जड़िया, ठीक है ना, आती है। नंददास की गोपियां सूर की गोपियों की तरह भावुक नहीं है, वे अधिक तर्कशील व दार्शनिक है। ये सवाल कई बार पूछा गया है, नंददास की गोपियों की विशेषता में नंददास की गोपियां अधिक तर्कशील है, दार्शनिक है, लेकिन सूरदास की गोपियां अधिक भावुक है। इस बात को लेकर आप अपनी कॉपी में लिख लेना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंददास की गोपियां अधिक तर्कशील है और सूरदास की गोपियां भावुक है। इसी परंपरा का अनुकरण करते हुए जगन्नाथ दास रत्नाकर, बहुत अच्छा नाम है, उन्होंने लिखा उद्व शतक, इम्पोर्टेंट है, उद्व शतक के रचनाकार है जगन्नाथ दास रत्नाकर, नाम से रचना लिखी गई। इस रचना में भक्तिकालीन आख्यान को रीतिकालीन क्लेवर में प्रस्तुत किया गया है। आपको ध्यान ये रखना है कि जगन्नाथ दास रत्नाकर ने उद्व शतक लिखा, उद्व शतक भी ऐसा ही है भंवर गीत, भ्रमर गीत जैसा लिखा गया है। आधुनिक काल में भ्रमर गीत परंपरा को आगे बढ़ाते हुए सत्यनारायण कवि रतन, बहुत अच्छा नाम है, सत्यनारायण कवि रतन ने भ्रमर दूत नाम से रचना लिखी। इस ग्रंथ में गोपियों को देशभक्ति निभाते हुए तथा यशोदा को भारत माता के रूप में प्रस्तुत किया है। ये इम्पोर्टेंट है। सत्यनारायण कवि रतन की रचना है भ्रमरदूत, सत्यनारायण कवि रतन की रचना है भ्रमरदूत। और इसमें यह दर्शाया गया है कि इनकी जो गोपियां हैं वो भारत माता, यशोदा को भारत माता के रूप में दर्शाया गया है, देशभक्ति निभाते हुए यशोदा को भारत माता के रूप में दर्शाया गया है। तो हो गया सूर का भ्रमर गीत सार जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संपादित किया, दूसरा नंददास का भंवर गीत, तीसरा उद्व शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर और चौथा सत्यनारायण कवि रतन का भ्रमरदूत, ठीक है ना। इसी कड़ी के आगे देखिए, हिंदी खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा रचित प्रिय प्रवास है। प्रिय प्रवास की रचना 1914 में होती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना, प्रिय प्रवास की रचना 1914 में होती है और प्रिय प्रवास के रचनाकार है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद में भ्रमर गीत परंपरा का निर्वहन हुआ है, यह भी इम्पोर्टेंट है। अब कहाँ कहाँ भ्रमर गीत का निर्वहन हुआ है वो सभी तथ्य मैं आपके सामने लेके आया हूँ। इसी तरीके से लेंथी कॉलेज प्राध्यापक में सवाल पूछे जाते हैं और पीजीटी में पूछे जाते हैं। सूर सागर का सबसे मर्मर्षी और वाग्वेदिकपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहरिणी है। ऐसा सुंदर और भव्य उपालम और कहीं नहीं मिलता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है जो मोस्ट है। ये अगर आ जाए तो इस शब्द को पकड़ लेना,
वाग वैदपूर्ण, सूर्य सागर का सबसे मर्म स्पर्शी और वाग वैदपूर्ण अंश भ्रमर गीत है, जिसमें गोपियों की वचन वक्रता अत्यंत मनोहारिणी है। ऐसा सुंदर और भव्य उपालम और कहीं नहीं मिलता, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दोस्तों, परीक्षा में ऐसे मत पूछे जाते हैं कि मत किसका है, तो वहाँ ऑफलेस नहीं होना है, आराम से अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और ध्यान दे दीजिएगा। सूर सागर को गेय मुक्तक काव्य कहना ही सर्वाधिक उचित है, यह भी आचार्य शुक्ल का कथन है। सूर सागर को गेय मुक्तक कहना उचित है, ये कहने वाले हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर है नवीन प्रसंगों की उद्भावना, सूर की बड़ी भारी विशेषता है, बड़ी भारी विशेषता है। देखिए, नवीन प्रसंगों की उद्भावना सूर की बड़ी भारी विशेषता है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। दोस्तों, इसको आप ध्यान रखें, ये सवाल कई बार परीक्षा में ऐसे कैसे पूछे जाते हैं, आप इनको ध्यान में रखिएगा। ये सभी मोस्ट हैं, एक भी ऐसा नहीं है कि परीक्षा में आने लायक नहीं है। अब यहाँ ध्यान देना, भ्रमर गीत सार शीर्षक लिखने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल, किसका है? सूर सागर के प्रसंग भ्रमर गीत, इनका संपादन करने वाले भ्रमर गीत सार से आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नंददास की रचना है भ्रमर गीत, नंददास की गोपियाँ अधिक तक्षशील है, अधिक दार्शनिक है, और सूर की गोपियाँ भावुक है, इस बात को ध्यान में रखें। और उसके बाद में जगन्नाथ दास रत्नाकर, इसकी रचना है उद्वशतक, इस उद्वशतक है जगन्नाथ दास रत्नाकर, ये भी भ्रमर गीत जैसी रचना है। और आगे सत्यनारायण कविरत्न, सत्यनारायण कविरत्न की रचना है भ्रमर दूत, ठीक है ना। इस भ्रमर दूत के अंदर ये आधुनिक, अभी वर्तमान में देखा जाए तो देशभक्ति निभाते हुए गोपियाँ को, देशभक्ति निभाते हुए यशोदा को भारत माता के रूप में दर्शाया गया है, यह लिखा गया है भ्रमर दूत में, जिसके रचनाकार है सत्यनारायण कविरत्न, इस बात को आप ध्यान रखें। आज इतना ही, कल और इनके बारे में, भ्रमर गीत सार के बारे में नए तथ्य लेकर फिर से मैं हाजिर होऊंगा। आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये एक निःशुल्क हिंदी साहित्य क्षेत्र में चलाई गई निःशुल्क मुहिम है, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। अगर आपका कोई सुझाव है और सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, आपका सुझाव हमारे लिए अति बेहद महत्वपूर्ण है। नमस्कार, धन्यवाद।